हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ब्रेनो सॉल्यूशन। देखो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6.5 क्वेश्चन नंबर 1। इसमें क्या है, एक पी क्यू आर एक ट्रायंगल है, ठीक है, एंड दिस इज राइट एंगल एट पी। मतलब क्या है इसका कि इसका जो राइट एंगल बन रहा है वो पी पॉइंट पे बन रहा है, ठीक है। तो तुम लोग अब जो है खुद से क्यू और आर कोई सा भी डिसाइड कर लो, वो अब हमारी मर्जी है। हम इसको क्यू बोल सकते हैं, इस पॉइंट को हम आर बोल सकते हैं, ठीक है, चाहे इसका उल्टा कर दो। अब ये कह रहे हैं दैट पी क्यू इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, तो पी क्यू ये वाला हो गया तुम्हारा 10 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर कह रहे हैं पी आर 24 है, पी आर 24 सेंटीमीटर है, यू हैव टू फाइंड आउट क्यू आर। क्यू आर हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। जब भी हम फिगर बनाते हैं हमारे लिए हर चीज जो है बहुत आसान इजी हो जाती है, ठीक है, तो सबको समझ में आने लगता है। चलो अब यहाँ पे हम लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम। अब ये पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, या बोल सकते हो पाइथागोरस प्रॉपर्टी, ओके, पाइथागोरस प्रॉपर्टी बोल सकते हैं, इसको थ्योरम बोल सकते हैं। क्या थी ये थ्योरम, उसमें ये था कि अगर तुम्हारा राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, कोई राइट एंगल के सामने ये जो होता है, दिस इज योर हाइपोटेन्यूज, ठीक है, हमेशा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ये तुम्हारी बेस है, बेस का स्क्वायर प्लस ये तुम्हारा परपेंडिकुलर है इसके ऊपर, तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है, ये तुम्हारा पाइथागोरस थ्योरम है, ठीक है। चलो इसको हम अप्लाई करते हैं। ये इसको तुम ऑल्टीट्यूड भी बोल सकते हो और हाइट भी बोल सकते हो, इसके सारे नाम है परपेंडिकुलर के, ठीक। चलो यहाँ पे अप्लाई करते हैं, तो देखते हैं क्यू आर तुम्हारा, इसको हम एक्स मान लेते हैं, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर, ठीक है, 10 का स्क्वायर हो गया 100, 24 का तुम्हारा स्क्वायर करते हैं तो दिस इज 576, टोटल हो गया 676, ठीक है। हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ये तुम्हारा 26 का स्क्वायर है, तो मैं इसे 26 into 26 लिख दूं, ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसका अंडर रूट कर दो, तो यहाँ पे x जो है वो तुम्हारा 26 आ जाएगा, ठीक है। चलो यहाँ पे हम देखते हैं 26 का स्क्वायर आया कैसे, ठीक है ना। तो देखो जिन बच्चों को नहीं पता, बहुत सारे बच्चे ऐसे जिन्हें याद नहीं है 26 का स्क्वायर 676 होता है, ठीक है, लेकिन चलो इसको आप सॉल्व करके देखते हैं कैसे करते हो, प्राइम फैक्टराइजेशन से। देखो मैं इसको 2 से डिवाइड करती हूँ, ठीक है, 2 3 6, 2 3 6 अगेन, 2 8 16, ठीक है, फिर 2 से करती हूँ, 2 1 2, 2 6 12, 2 9 18, ये किसका स्क्वायर होता है, 13 into 13, ठीक है, फिर 13 1 13, ठीक। तो देखो यहाँ पे मैं 676 को कैसे लिख सकती हूँ, 676 कैन बी रिटन एज 2 into 2 into 13 into 13, ठीक है। अगर तुम्हें इसको स्क्वायर रूट लेना है तो स्क्वायर रूट का क्या तरीका होता है, हम पेयर करते हैं ना, दो दो के पेयर्स बनाते हैं, ये 2 का पेयर, ये 2 का पेयर, ठीक है, स्क्वायर रूट लो, ये किसका पेयर है 2 का, ये किसका पेयर है 13 का, तो ये कितना आ गया 26, दैट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 676 इज 26, ठीक है, आगे समझ में। चलो अब हम चलते हैं।